जफर इकबाल साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, जो कि लिफ्ट में मौजूद टीचर हैं। जफर साहब, इस वक्त आप बता सकते हैं क्या सिचुएशन है, कितने लोग आपके साथ मौजूद हैं, क्या कोई बच्चा भी है आपके साथ जो कि दिल का मरीज है, और वो क्या बेहोश है? एक बच्चा है, वो दिल का मरीज है, अभी कभी होश में आ जाता है और कभी बेहोश हो जाता है। ठीक है, कैसे पेश आया ये वाकया जफर साहब? ये हम रोज इसी लिफ्ट पे आते जाते हैं ना, यहाँ हम एक विलेज से दूसरे विलेज तक सिर्फ यही एक रास्ता है लिफ्ट वाला, और कोई सहूलत यहाँ नहीं है, रोड वगैरह इसी पे आते जाते तकरीबन 200 तक तलबा। अच्छा ठीक है, फिर क्या हुआ? सुबह जब हम आ रहे थे तो एक रस्सी दरमियान से टूट गई। अच्छा, यही वाकया पेश आया, अभी 5-6 घंटे हो गए अभी तक बच्चे लटके हुए। जफर साहब, जब ये हादसा हुआ है, आपने फौरी तौर पर रابطہ आपका हो सका था रेस्क्यू टीम्स के साथ, या वक्त लगा? कुछ कोई तकनीकी वजूहात थी? मोबाइल नेटवर्क नहीं होता वहाँ पर? यहाँ मोबाइल नेटवर्क भी ख़राब है, यहाँ कोई नेट सर्विस नहीं है, यहाँ जो टावर है सिर्फ टेलीनार की है, वो काम ही नहीं करते सर। ठीक है, और जफर साहब, इस वक्त क्या सिचुएशन है आप लोगों की? जो चेयर लिफ्ट है वो डिसबैलेंस्ड हुई हुई है, आप लोग इस वक्त कैसा क्या क्या महसूस कर रहे हैं वहाँ पर? खौफ है या उम्मीद आपको है कि जीयू की टीम्स रवाना हो चुकी हैं, आपकी तरफ आ रही हैं वो टीम्स? यहाँ बहुत सारी टीमें है, टीमें जो है जिले की, दूसरे जिले की, शांगले की, अस्वाद से गई है, एक हली भी आया था हेलीकॉप्टर, वो चला गया वहाँ पर। जी जफर साहब, ये हेलीकॉप्टर रेकी करने आया है इसी वजह से कि आपको बहिफाजत निकाला जा सके। अभी चेक किया जा रहा है आपके तमाम इर्द गिर्द जो जगह है, उस हिसाब से फिर आपको रेस्क्यू कर लिया जाएगा। कितने लोग मौजूद हैं आपके साथ, इस हवाले से बता सकते हैं? यहाँ लिफ्ट के नीचे जो इस साइड पे हजारों लोग हैं, उस साइड पे भी हजारों लोग। ठीक है, और चेयर लिफ्ट के अंदर कितने लोग हैं आपके साथ? चेयर लिफ्ट के अंदर है तकरीबन 9। बच्चे कितने हैं? 2 बड़े हैं सर और सारे छोटे। ठीक है, और आप लोग स्कूल जा रहे थे या अस्पताल की तरफ भी जाना था आप लोगों ने? इस हवाले से भी कुछ इत्तला चल रही थी न्यूज़ मीडिया पर, ये भी कंफर्म करना। एक बच्चा जो है, ये जो बेहोश हो रहा है, ये इसके दिल का मरीज था, ये जा रहा था अस्पताल, और सारे स्कूल के बच्चे। ठीक है, और जफर साहब, आपके पास खाने पीने की अशिया मौजूद हैं? नहीं, कुछ भी नहीं। और कब से आप इस तरीके से बैठे हुए हैं, मतलब कुछ लेके आप लोग गए थे या नहीं था, कोई सप्लाईज नहीं थे आपके पास? नहीं नहीं, कुछ भी, हमारा इलाका करीब है ना, घर करीब है, बस लेफ्ट से इस तरफ स्कूल है और उस तरफ हमारा गाँव है। ठीक है, तो जफर साहब, आपने उम्मीद नहीं हारनी बिल्कुल भी, टीम्स आपकी तरफ रवाना हो चुकी हैं। इस वक्त बटग्राम में जितने भी रेस्क्यू टीम्स मौजूद हैं वो पहुंच चुकी हैं, और आपकी मदद के लिए पूरी पूरी तैयारियां की जा रही हैं। कुछ ही देर लगेगी, आपने उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ना और आपने हौसला बरकरार रखना है। अभी हमारी SSG के जो साबिक कमांडो हैं उनसे भी बात हुई थी, मेजर रिटायर्ड साहब हैं, वो ये बता रहे थे कि इसमें कोई रिस्क नहीं होगा, आराम से आपको यहाँ से रेस्क्यू कर लिया जाएगा, आपने उम्मीद नहीं हारनी। आप हमें बता सकते हैं कि इस वक्त आप क्या महसूस कर रहे हैं, आपके साथ जो बच्चे हैं उनकी क्या हालत है? बस हालात बहुत तश्वीशनाक है। ठीक है, और जफर साहब, मौसम इस वक्त कैसा है, क्या बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ चुकी है वहाँ पर? नहीं, यहाँ दरमियाना मौसम है। दरमियाना मौसम है, ठीक है, और सांस लेने में ऑक्सीजन की कोई किल्लत ऐसा तो कोई आपको महसूस नहीं हो रहा वहाँ पर? नहीं, कोई मसला नहीं। ठीक है, और जो एक रस्सी से अब आप बता रहे हैं ना कि ये चेयर लिफ्ट लटकी हुई है, ये रस्सी आपको मजबूत लग रही है, क्योंकि 6 घंटे तक तो इसने संभाला है आपको? ये इतनी मजबूत रस्सी है, तकरीबन 35-40 मंथ ये वजन उठा सकती है। अच्छा ठीक है, जफर साहब, ये जो चेयर लिफ्ट जिसमें आप बैठकर निकले थे अपने स्कूल जाने के लिए बच्चों के साथ, इस चेयर लिफ्ट में कितने लोगों के बैठने की गुंजाइश होती है? तकरीबन 10। अच्छा, 10 लोग यानी बैठ सकते हैं, ये सोजी तरह की है। अच्छा ठीक है, और जफर साहब, ये जो चेयर लिफ्ट यहाँ पर आप लोग इस्तेमाल करते हैं आमदोरफ्त के लिए, ये इनकी हालत कैसी है, क्या इनकी मेंटेनेंस होती है रेगुलर बेसिस पर, या इस हवाले से आप लोग शिकायत करते रहे हैं? हर महीने में करते हैं, सही करते हैं, अभी 1 हफ्ते पहले बराबर किया था। अच्छा, यानी बोसीदा हालत नहीं है, मेंटेन्ड थी? नहीं, जबरदस्त है। अच्छा, जबरदस्त थी, ठीक है। हमारा तो सही है कि ना? जी 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 जफर साहब,
जी जी क्या कह रहे थे आप? मैं कह रहा हूँ हमारे यही है कि रास्ता है ना, ये लेफ्ट ही है हमारे, रोड नहीं है, नीचे रास्ते दरिया है नीचे, और उस पर पुल भी नहीं है, हालात खराब है सर। ठीक है जफर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपने हमें कीमती वक्त दिया। हम आपको यही कहेंगे कि आपने उम्मीद का दामन हाथ से नहीं जाने देना, कुछ ही देर में रेस्क्यू टीम्स आपके पास दोबारा पहुंच जाएंगी।